अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। उसकी बेवफाई अपनी जगह, लेकिन वो आ जाए तो उसे देख लो, कुछ तो सुकून मिल जाएगा। मैं सारे इख्तियार तुम्हें दे दूंगी जुबै, बस तुम उससे दूर नहीं होना। मैं क्यों दूर होगा? और ये तुम अचानक से इतनी बुजदिल क्यों हो गई हो? औरत उसी दिन बुजदिल हो जाती है जिस दिन उसके शौहर की जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ जाए। जिंदगी तो मानूर ने गुजार रही है फुरकान के साथ, तो बेहतर है कि आप मानूर को ही फैसला करने दें। सच तो ये है कि फैसला करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरी बीवी फैसला कर चुकी है कि ये रिश्ता नहीं करना। सच पूछे, वो लड़की जाल में आई नहीं रही। इसका मतलब है कि फिर जाल तुमने सही से बिछाया नहीं। कोशिश करो या फिर ड्रामा करो। हाँ, मैं करता हूँ कोशिश। तुम जिसको चाहते हो अपने हक में इस्तेमाल कर लेते हो, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। और जो तुमसे मैं प्यार करता हूँ उसके बारे में क्या ख्याल है? उससे भी डर लगता है, क्या पता वो भी तुम्हारा इस्तेमाल करने का कोई हरबा हो। इतने सालों में कोई ऐसा हरबा सामने आया? और देखो, जो मंसूबा लेकर आई थी मैंने, तो उसका भी साथ नहीं दिया। मजाक कर रही हूँ। अच्छा हाँ, वो डॉक्टर ने कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट करवाने का कहा था, तो चलो करवा लेंगे। ठीक हूँ यार मैं। नहीं भाई, अभी करवाने, तुम रेडी हो जाओ, अभी निकलेंगे। अभी? हाँ अभी। और सेहत के मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इतनी परवाह होने लगी है मेरी। प्यार करता हूँ ना तुमसे, इसलिए डर गया था। ऐसे ही करते रहना मुझसे प्यार। चले चलो। आपने तो लेट जाना था ऑफिस और फिर गए भी नहीं। हाँ, सुबह से जो बातें हुई तो उसने मजबूर कर दिया, समझ नहीं आ रहा कुछ। क्या कहा उसने? यही कि आप दुनियावी चीजें देख रहे हैं, बेटी की खुशियां नहीं देख रहे। मैं भी फुरकान का कजन हूँ और मिडिल क्लास आदमी हूँ, शादी भी बड़े घर में हुई और आज तक चल रही है। मेरा घर छोटा था, तो लड़की के बाप ने बेटी को बड़ा घर दे दिया। फिर? कुछ नहीं, बस मैं ये सारी बातें सोच रहा हूँ कि इनकार की वजह सिर्फ दौलत हो सकती है क्या? दौलत से ज्यादा हमारी बेटी की खुशियां हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि ऐसे हमारी बेटी भी खुश नहीं रहेगी। सुबह से सोई हुई है, रूम से बाहर ही नहीं निकल रही। कहती है कि मुझे फैसले से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मुझे संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये बात भी ठीक है, लेकिन क्या हमसे ये सब बर्दाश्त होगा? इसीलिए तो मैं भी परेशान हूँ। अगर मुझे कोई यकीन दिला दे कि वो खुश रहेगी, तो मैं भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दूंगी। ये यकीन तो कोई भी नहीं दिला सकता, ना फुरकान और ना मानूर। और फिर हमें दोनों की बात पर यकीन नहीं, और ये वक्त फैसले का है। फिर क्या सोचा आपने? देखो, जहां इंसान ज्यादा सोच रहा होता है ना, वहां उमूमन फैसला नहीं कर पाता। और मैं तो तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि मैं तो फैसला करने की पोजीशन में ही नहीं हूं। मुझे तो लगता है कि इनकार की पोजीशन में महानूर भी नहीं है, और उसकी खुशी के लिए हमें ये रिस्क लेना तो पड़ेगा, वरना वो इसी तरह तकलीफ में रहेगी और हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। यही जुबैर भी कह रहा था। क्या कहा जुबैर ने कि वो अच्छे लोग हैं? भाई, वो ये बता रहा था कि वो मिडिल क्लास आदमी है और अपर क्लास में शादी हो गई। इसका मतलब तो साफ जाहिर हुआ ना कि ये एक ही फैमिली के लोग हैं। ठीक है, फिर हाँ कह दें, देखते हैं क्या हो सकता है, कैसे करना है। फिर मेरे ख्याल में हमें ये सारी बातें जुबैर से करनी चाहिए, वो बहुत माकूल आदमी लगता है मुझे। बात समझता भी है और समझा भी अच्छा लेता है। तो फिर करें उससे बात। तुम फैसला कर चुकी हो, देखो फैसला बदल तो नहीं जाएगा तुम्हारा। नहीं, ये फैसला आज मैंने मानूर की हालत को देखते हुए किया है।
हम इनकार अफोर्ड नहीं कर सकते। सही कह रही हो तुम। मानूर बेटा, मैंने तुम्हारे डैडी से बात की है, हम सब तुम्हारी खुशी के लिए राजी हैं। वो तो आप लोग पहले भी मान गए थे, और वो भी सिर्फ मेरी खुशी के लिए, क्योंकि इसमें आप लोगों की तो खुशी है ही नहीं ना। तुम्हारी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है, इसीलिए तो हम खुश हैं। और देखो हमारे इनकार की वजह क्या है और हम मान क्यों रहे। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जिसमें आप लोग खुश हो वो सब कुछ हो। अगर आप लोग नहीं चाहते तो मैं भूल जाऊंगी फुरकान को। मैं कोशिश भी कर रही हूँ, बस उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त दें। लेकिन हमने हाँ कर दी है। दिल से? हाँ दिल से। वो माँ बहुत अच्छी है। बिल्किस तुम इतनी डिस्टर्ब हो गई। मेरा काफी दिनों से दिल घबरा रहा था, मुझे लग रहा था मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, माइनर सा इश्यू है, मेडिसिन लोगी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जुबैर कुछ भी है, मैं हार्ट पेशेंट तो बन गई हूँ ना, हर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जुबैर तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, अगर मेरी मौत लिखी है तो। मैंने कहा ना माइनर से इश्यू से कुछ नहीं होता। तुम कल से वॉक स्टार्ट करो और मेडिसिन मैं तुम्हें टाइम पे दिया करूँगा। हाँ देखो लाखों लोग हैं इस दुनिया में जो इससे बड़े इश्यूज के साथ जी रहे। जुबैर अगर मैं मर गई तो मैं तो भूलने में भी वक्त नहीं लगेगा। तुम तो अपनी बीवी और बच्चे में मसरूफ हो जाओगे, बल्कि तुम तो ये भी भूल जाओगे कि मेरी मौत की वजह तुम्हारी शादी थी। मिल्की ऐसा कुछ नहीं हूँ, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। देखो मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं और तुम्हारा साथ हर पल दूंगा। और देखो डॉक्टर ने भी तो यही कहा कि अपनी डाइट मेंटेन करें, मेडिसिन लें और वॉक करें। बाद में डॉक्टर ने तुम्हें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं बताई ना। नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, तुम गेट पर ही तो खड़ी थी। जुबैर तुम जाओगे तो नहीं ना, देखो मेरे साथ ही रहो, मेरा तो जिंदगी से भरोसा ही उठ गया है। अरे बाबा मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हें क्यों जाऊँगा तनहा छोड़ के। अपनी बीवी के पास तो नहीं जाओगे ना। मैं तुम्हारे पास ही रहूँ, तुम्हें मेरी ज्यादा जरूरत है। मुझे शुरू से तुम्हारी जरूरत रही है जुबैर। सॉरी बिल्किस मैं ही गलत था। हेलो, मैंने कहा था ना मैं उन्हें सोचने पर मजबूर कर आया हूँ। हाँ बिल्कुल, और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ अच्छे ही सोचेंगे अब वो। सोच लिया उन्होंने। मुबारक हो, तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। क्या सच? वाह 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 जुबैर साहब, मुझे पूरा यकीन था कि आप जाएंगे ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब रुखसती वाली बात पर हम उन्हें कायल कर लेंगे, बस सब कुछ सादगी से होना चाहिए। थैंक यू जुबैर साहब। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे हर फायदे में मेरा हिस्सा होगा, याद रखना। अरे बेफिक्र हो जाएं, मैंने तो पहले ही कहा था मुझे फ़ायदा होगा तो आपको कभी पीछे नहीं रहने दूंगा। मैं पीछे रहता भी नहीं हूँ फुरकान, क्योंकि मुझे पीछे छोड़ने वाले कभी भी आगे नहीं जाते। चले अल्लाह हाफिज। तुमने टाइम पे सोना है, वॉक करनी है और
इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लो। समझो कि ये भी तुम्हारा ऑफिस है जहाँ तुमने लाजमी ड्यूटी देनी। अच्छा भाई, अब रूटीन का हिस्सा बनने में वक्त तो लगेगा ना। अभी तो मेरा दिमाग ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैं आज से हार्ट पेशेंट बन गई। अरे देखो, ये तो आजकल नॉर्मल है, लोग तो अपनी मेडिकल प्रॉब्लम बताते भी नहीं है। हाँ शायद, लेकिन पता नहीं लोग ये कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और नॉर्मल चलते रहते हैं। मुझे तो ये सब बेकार लग रहा है सुबह, ऐसा लग रहा है ये सब कुछ टेम्प्ररी है, बस किसी भी वक्त सब कुछ खत्म हो जाएगा और जब मैं ही नहीं रहूंगी तो ये घर, ये बिजनेस, सब कुछ बेकार। ये सिर्फ तुम्हारा खौफ है और कुछ भी नहीं, तुम सिर्फ नॉर्मल रहो। और देखो, डॉक्टर ने तुम्हें ये भी कहा ना कि नॉर्मल रहना, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। डॉक्टर ये सब कुछ कहने में देर नहीं लगाते क्योंकि ये तो उनकी प्रैक्टिस होती है। अगर उन पर बीत रही हो तो उनको भी नींद नहीं आएगी। लेकिन तुमने टाइम पे सोना है, मैं कह रहा हूँ। फिक्र हो रही है मेरी। सिर्फ फिक्र नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें ठीक देखना चाहता हूँ और हमेशा अपने साथ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो। तो मेरा साथ दो, मैं जिंदगी को धोखा नहीं देने दूंगा। जिंदगी ने पहले कभी किसी के साथ वफा की है? वक्त तो दिया होगा। वक्त तो आरजी होता है सुबह, लेकिन उस आरजी वक्त में मुस्तकिल यादें बनती हैं। लेकिन कब तक रहेंगी वो यादें भी? जब तक कोई याद करने की सलाहियत ना खो बैठे। बातों में ना पहले तुमसे कभी जीत सके और ना जीत पाऊंगे। फिर सो जाओ आराम से, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। तुम भी सो जाओ। हाँ मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम तो सो जाओ। कल सुबह गाड़ी और ड्राइवर अवेलेबल होंगे? सवाले सुबह आ रही है। हाँ मेरी अभी बात हुई थी, बस कल सुबह की फ्लाइट से वापस आ रही है। ड्राइवर भी और गाड़ी भी, जिस वक्त जहाँ भेजना हो भेज दीजिएगा, ये उसका हक है, मैं उससे नहीं छीन सकता। लेकिन उससे कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही वो अपना हक मांग रही है, बल्कि वो तो यहाँ रहना भी नहीं चाहती। कहती है कि अगर मेरा शेप से सामना होगा तो मुझे तकलीफ होगी। मुझे देखने से तकलीफ होगी अब उसे? शायद पहले जैसे ताल्लुकात ना होने पर हो। लेकिन रिश्ता तो बाकी है ना, अभी बहुत कुछ बेहतर हो सकता है अगर वो सच बता दे तो। सच ही तो नहीं सुनना चाहते आप? जितना सच आज तक आपको बताया है, आपने उस पर कब यकीन किया? सर मैं आपके नज़दीक तो सच वही है जो आपको फरकान और जुबैर ने बता दिया। आप चाहते हैं कि वो इसकी तस्दीक कर दे, लेकिन वो ऐसा क्यों करे शुएब, जब ऐसा कुछ है ही नहीं? इतने सारे इत्तेफाकात हो नहीं सकते। लेकिन ये लोग भी तो झूठे हो सकते हैं ना शुएब। और सवालिया ने जो झूठ बोले वो झूठ नहीं थे, वो गलती थी, उसकी बेवकूफ़ी थी, उसको गलत गाइड किया गया था। पता नहीं क्या हकीकत है, मुझे कभी यकीन आएगा भी या नहीं। आप बहुत देर कर देंगे, बल्कि शायद पहले ही देर कर चुके हैं। पता नहीं अब सौलिया भी पहले जैसी है या नहीं। बदल गई मतलब? शायद अब उसे आपकी ज़रूरत ही ना हो। लेकिन मैंने तो सुना है जिससे मोहब्बत हो उसकी ज़रूरत हमेशा रहती है। ये भी तो मुमकिन है कि उसे अब आपसे मोहब्बत ही ना रही हो। मोहब्बत ना रहने का मतलब क्या होता है? क्या उसे मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं? मोहब्बत मरती कहाँ है, ये तो हर पल हर ख्याल में जिंदा रहती है। फिर तो आपके दिल में भी सौलिया के लिए मोहब्बत जिंदा होगी। रातों में जागता रहता हूँ
काम नहीं कर पाता, स्टाफ से उलझ जाता हूँ। ये सब कुछ क्या है? यही कि उसके बगैर नहीं रह सकता। याद आती है तो दिमाग फटने लगता है। ये उसकी मोहब्बत ही तो है जो बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। वो यहाँ आ रही है तो फिर आप ये सब कुछ बताएं उसे। लेकिन इससे हम नॉर्मल तो नहीं रह सकते ना। मोहब्बत में यही तो मसाइल है। मेरा दिल दिमाग में सवालों की जो जंग है वो हमें साथ नहीं रहने देगी जब तक कोई सही फैसला ना हो जाए। फैसला अब आपकी अदालत में होना। हम तो बहस कर करके थक चुके हैं। चले छोड़िए इन बातों को, बल्कि मेरी कही हुई बातें सवालिया से ना कहिएगा। और हाँ, वो जब तक यहाँ रहना चाहे रह सकती है, ड्राइवर और गाड़ी हर वक्त मौजूद होती है। थैंक यू। आज से तुम नाश्ते में फ्रूट खाओगे। ये जो सुबह उठते हैं तुम चाय कॉफी जो पीते हो ना, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लगता है तुम मेरी सारी आदतें चेंज करके ही छोड़ोगे। देखो, चेंज इंसान को अच्छा नहीं लगता। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो जाते हुए थोड़ा सा टाइम लेती हैं और फिर एक टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और इंसान घर इनका आदि बन जाता। जुबैर, वैसे तुम बहुत फिक्रमंद लग रहे हो मेरे लिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो मेरी लाइफ पार्टनर हो। अगर मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद नहीं हुआ तो फिर और कौन होगा? और मेरे फिक्रमंद ना होने का एक ही मकसद हो सकता है कि मुझे तुमसे प्यार ना हो। और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और दूसरे का शौहर हो गए भाई? दूसरी बीवी भी हो सकती है, लेकिन मोहब्बत का मुकाम तो अपना अपना है ना। अच्छा भाई, मुझे अब ऑफिस जाने की इजाज़त दोगे या मैं घर पे बीमार बन के पड़ी रहूँ? भाई बिल्कुल, अगर तुम ऑफिस जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाओ, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगी ना तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि तुम रेस्ट करो। तुम साथ नहीं चलोगे? मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ। बस एक छोटा सा काम है शेप के घर का, मैं वो करके फिर ऑफिस आ रहा हूँ। बल्कि मैं ऑफिस चलता हूँ, तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, फिर मैं वहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है। और फौरन आ जाऊँगा मैं, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कहीं जा रही हो? आपको इससे क्या? तुम बीवी हो मेरी। और आप कहीं भी जाते हैं तो मेरे शौहर ही रहते हैं ना, इसलिए ये जवाब मत दे क्योंकि मैं भी आपकी बीवी ही हूं। बहुत बदली हुई लग रही हो आज। आप भी तो एक ही कॉल पर बदल जाते हैं। बस नाम बिल्कीस होना चाहिए। इसकी वाकई तबीयत खराब है, इसके दिल की एक वेन बंद है, डॉक्टर ने मेडिसिन दी है। प्लीज जुबैर, रहने दे इस किस्से को। तुम तो बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। ये सारी बातें सुनी हुई है मैंने, कोई नई बात है आपके पास? इसलिए मैं खामोश रहना चाहती हूँ, और बेहतर होगा कि आप भी खामोश रहें। क्या बात है शेब, आज ऑफिस नहीं गए? बस ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? जुबैर भाई, आपको नहीं पता सवालिया आ रही है। सवालिया यहाँ आ रही है? हाँ, ज़ारा यहाँ से जाना चाह रही थी, कह रही थी हम अपने घर जाके रहेंगे, लेकिन मैंने कहा ये भी उसका घर है, तुम दोनों यहाँ रह सकती हो।
मतलब तुम सौलिया को अपने साथ रखना चाहते हो? साथ तक तो नौबत नहीं आई, लेकिन मैं चाहता हूँ वो यहीं रहे। इधर उधर रहेगी तो हाँ, तुम्हें शक होता रहेगा ना। वैसे तुम्हारी आंखों के सामने होगा तो तुम्हें यकीन करने में आसानी होगी। ये भी मुमकिन है कि शायद तुम पिछली बातों को भूल भी जाओ। भूलने की तो मैंने कोशिश नहीं की, बस ये सब मेरा ज़हनी सुकून बर्बाद करते हैं। उसके लिए तो मैं अब भी खोज में हूँ। खोज में तो तुम सौलिया की भी हो। देखो अगर मेरी मानो तो सुलह कर लो। सुलह? हाँ, क्या अर्ज है? वो वैसे भी तुम्हारी बीवी है ना, बाकी तो सब चलता है। इश्क विश्क से कौन आज़ाद है आजकल? मैं हूँ ना, मैंने सौलिया के अलावा किसी को नहीं सोचा। सिर्फ उसी को चाहे और उसी से प्यार करता हूँ। यार अभी ज़रूरी तो नहीं है कि सारी दुनिया तुम्हारे जैसी हो। अब देखो ना, तुम्हारी तो उससे पहले शादी भी नहीं हुई भी थी। देखो मैं तो ये कहता हूँ, तुम उससे इतना प्यार करते हो, असल में तुम उसके बगैर नहीं रह सकते। फिर बात कर लो और रख लो उसे। दिल को कैसे मुतमईन करूँ ज़ुबैर भाई? यार जिसके लिए दिल बेताब है इतना तो मान भी जाएगा। छोड़े इस बात को, आप नहीं समझ सकते। वैसे वो आ क्यों रही? उसे ज़ारा ने बुलाया है। ज़ारा ने? लेकिन क्यों? उसकी मर्जी है, अब हम क्या कह सकते हैं। अगर एक बहन दूसरी बहन को बुला रही है तो। हाँ लेकिन फिर भी कोई वजह तो होगी ना। ज़ारा परेशान है बहुत। मुझसे? ये तो वो खुद बता सकती है, लेकिन उसने यही कहा है कि वो बहुत परेशान है। अच्छा, तो वो उसकी ज़रूरत पूरी करने आ रही है, जबकि वो खुद किसी ज़रूरत से बाहर गई थी।